आज हम बात करने जा रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिसे शायद ही आप में से कोई जानता होगा। ऐसे तो उनके जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प किस्से हैं और उनके ये सारे किस्से या उनकी आत्मकथा एक किताब में दर्ज की गई है। बता दें कि उस किताब का नाम गोपालगंज से रायसीना है। लेकिन आज हम लालू यादव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे किस्सों को बताने जा रहे हैं जो आप इस किताब में भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव का यह दिलचस्प किस्सा किताब पब्लिश हो जाने के बाद राइटर नलिन वर्मा ने खुद शेयर किया था। तो चलिए अब हम आपको यह दिलचस्प किस्सा बताते हैं। यह बात उस समय की है जब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने दिल की सर्जरी मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में कराई थी। नलिन वर्मा बताते हैं कि साल 2018 में बकरीद के दिन मैं लालू यादव से मिलने के लिए अस्पताल जा रहा था। उस समय तक मैं लालू यादव की किताब गोपालगंज से रायसीना को छपने के लिए दे चुका था, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य थे जिनकी पुष्टि करना लालू यादव से बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा था और यह मुलाकात हमारे लिए बहुत जरूरी थी। नलिन वर्मा ने एयरपोर्ट से ऑटो लिया और जहां लालू यादव का इलाज चल रहा था एशियन हार्ट हॉस्पिटल चलने को कहा। ऑटो में बैठे बैठे नलिन वर्मा ने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम लालू प्रसाद यादव को जानते हो। तब ऑटो वाले ने जवाब दिया, हाँ वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जिसके बाद नलिन वर्मा बोले, मैं अभी उनसे ही मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। यह बात सुनते ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुस्लिम ऑटो चालक ने तुरंत साइड करके ऑटो को रोक दिया और नलिन वर्मा से कहा कि क्या आप मुझे लालू यादव से मिला सकते हैं? अगर आप मेरी मदद करेंगे और मेरी भेंट लालू यादव से करवाएंगे तो मैं आपके लिए ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा। नलिन वर्मा ऑटो चालक की बात को सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद कुछ सोच कर नलिन वर्मा ने ऑटो वाले से वादा करते हुए कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी भेंट लालू प्रसाद यादव से जरूर करा सकूं। नलिन वर्मा की यह बात सुनते ही ऑटो ड्राइवर खुश हो गया और उसने कहा कि अगर मुझे एक समय में अमिताभ बच्चन और लालू प्रसाद यादव में से किसी एक से मिलने की बात कही जाएगी तो मैं लालू यादव को ही चुनूंगा। आपको बता दें कि ऑटो से उतरते वक्त ऑटो वाले ने अपना नाम अंसारी और अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखकर नलिन वर्मा को थमा दिया और एक बार फिर विनती की कि लालू जी से आप मुझे मिलवा देना बाबू, अल्लाह मेहरबान होगा। हालांकि नलिन वर्मा अस्पताल के अंदर जाते जाते ऑटो चालक की कही सभी बातों को भूल चुके थे। बताते चले कि उस समय लालू प्रसाद यादव की हालत काफी नाजुक थी, उनके दिल की सर्जरी हुई थी और उनके शुगर और बीपी भी अप डाउन हो रहे थे। वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्स लालू यादव को बता रहे थे कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लालू यादव बिस्तर पर लेटे लेटे सबकी बातों को सुन रहे थे और हम लोग से किताब के स्क्रिप्ट को लेकर बातें कर रहे थे। हम लोग करीब 2 घंटे तक लालू यादव के साथ उनके कमरे में उनके साथ रुके। करीब 6 बजे जब नलिन वर्मा निकलने की तैयारी करने लगे तो अचानक उन्हें उस ऑटो ड्राइवर की कही बातें याद आई और उन्होंने उस घटना के बारे में लालू यादव को बता दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय कमरे के बाहर लालू यादव से मिलने के लिए वरिष्ठ नेता भी बैठे थे, पर लालू यादव ने जैसे ही नलिन वर्मा की बात सुनी वो बेचैन हो गए। लालू यादव ने तुरंत नलिन वर्मा से पूछा कि क्या आपने उस ऑटो चालक का नंबर लिया, मुझे दीजिए। जिसके बाद लालू यादव ने अपने करीबी भोला यादव से उस ऑटो चालक से बात करने को कहा। जैसे ही भोला यादव ने ऑटो चालक को फोन लगाकर लालू यादव को दिया, लालू यादव ने अंसारी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, जल्दी हमसे मिलने आ जाओ और आते वक्त याद से 250 ग्राम कलेजी लेकर आना, आज बकरीद का दिन है, कुर्बानी वाला कलेजी लाना। फोन काटने के बाद लालू यादव ने भोला से कहा कि बाहर जो नेता बैठे हैं उन्हें कहिए कि वे किसी और दिन हमसे मिलने आए, और साथ ही उन्होंने भोला यादव से यह भी कहा कि वो बाहर जाकर ऑटो ड्राइवर को अंदर लेकर आए। करीब 1/2 घंटे के बाद ऑटो ड्राइवर अस्पताल आया और अपनी भावुकता की वजह से रोने लगा। जिसके बाद लालू यादव ने अंसारी से कहा कि रोइए मत और उसके बाद अपने एक साथी के साथ अंसारी को भेजा और कहा कि करेजी को सरसों तेल, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक के साथ पकाकर लेकर आइए, साथ में बैठकर खाएंगे। जब अंसारी प्लेट में पके हुए मीट को लेकर आए तो लालू
ने उन्हें भी उसी प्लेट में खाने को कहा। यह बात सुनते ही ऑटो चालक अंसारी ने हाथ जोड़ लिया और लालू यादव से कहा, हुजूर मैं आपकी प्लेट में कैसे खा सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बस ऑटो चलाता हूँ, मेरी भेंट आपसे हो गई, मतलब कि मुझे सब कुछ मिल गया। लालू ने जैसे ही अंसारी की बात सुनी उन्होंने प्यार से छिड़कते हुए अंसारी से बोला कि चुपचाप आकर साथ में बैठो और खाओ, नहीं तो दो थप्पड़ मारूंगा। लालू यादव की यह बात सुनते ही अंसारी लालू यादव के पास बैठ गए और उनके प्लेट से ही खाने लगा। उसी दौरान कमरे में एक नर्स आकर लालू यादव को टोकने लगी कि आप मीट क्यों खा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको ये खाने से मना किया है। तब लालू यादव मुस्कुराते हुए बोले कि डॉक्टर साहब बहुत भोले हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि अंसारी के मीट में जितना फ़ायदा है उतना तो अस्पताल की दवाई में भी नहीं है। बता दें कि लालू यादव ने आगे कहा कि मुझे गरीबों से बहुत प्यार मिलता है और मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए, मैंने कभी मौत और बीमारी के बारे में नहीं सोचा है, ये सभी चीज़ें तो भगवान के हाथ में है। उसके बाद उन्होंने ऑटो ड्राइवर से कहा कि अंसारी अब तुम जाओ और कोई परेशानी होगा तो कहना और फिर मिलना। उसके बाद अंसारी ने रोते हुए लालू यादव से विदाई ली और कहा, या अल्लाह लालू जी को आबाद रख। अंसारी के जाने के बाद लालू यादव कमरे में मौजूद नलिन वर्मा और बाकी लोगों से बात करते हुए बोले कि मैं आप लोगों के साथ इसलिए मीट नहीं खा सका क्योंकि ये 4-5 लोगों के लिए कम पड़ता, इसलिए एक राजनेता के तौर पर लालू यादव का व्यक्तित्व करिश्माई है, उनके इसी अंदाज को बिहार के साथ साथ देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।